है कि हम जब टीवी पे देखते हैं बाप रे एक दूसरे के मतलब दुश्मन नजर आते हैं, यहाँ पे तो अलग ही रूप नजर आ रहा है हमें तो। अरे असलियत में तो ये मुझे जान से भी प्यारा है। आई लव पारस अ लॉट बिकॉज नॉट जस्ट ही इज अ वेरी गुड एक्टर, ही इज ऑल्सो वेरी 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 गुड, वेरी वेल ब्रॉट अप किड। और मैं इस चीज़ के लिए पारस के पेरेंट्स को पूरा क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने इतनी अच्छी तरह से इसको अपब्रिंगिंग दी है। ही इज़ वेरी कंपैशनेट, ही इज़ वेरी काइंड, ही लव्स एनिमल्स, ही लव्स एंड रिस्पेक्ट्स ऑल ह्यूमन बींग्स अराउंड हिम ऑल द टाइम। सो एंड प्लस ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड एक्टर। एंड जो अभी आपने देखा करते हुए इसको जो मेरा वीडियो ये शूट कर रहा है उससे आपको ये समझ में आ जाएगा। अभी आप रील्स पे देखोगे, मेरा पहला रील होने वाला है ये, तो मैं पहली बार उस पर डालने वाला हूँ और ये आप देखोगे इसकी एडिटिंग स्किल्स और शूटिंग स्किल्स आपको समझ में आएंगे। तो फारस आप क्या कहना चाहेंगे सर के बारे में, मतलब कि सो हमारा ऑन स्क्रीन तो ऐसा दिखा है कि वी आर यू नो ऑपोजिट ईच अदर, हम लोग बनती नहीं है ऑन स्क्रीन बट ऑफ स्क्रीन सो ऑफ स्क्रीन हमारा जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है सिंस डे वन। आई थिंक हम लोग जब से मिले थे तब से ही लाइक वी बीन शेयरिंग दैट काइंड ऑफ बॉन्ड। एंड ऑफ स्क्रीन मैं सर को पापा बुलाता हूँ, जो मैं ऑन स्क्रीन अभी बोल रहा हूँ कि मैं नहीं बुलाऊँगा जो मैंने बोला हुआ है ऑन स्क्रीन कि मैं पापा नहीं कहूँगा, लेकिन ऑफ स्क्रीन तो मैं पापा ही कहता हूँ बिकॉज यू नो वी शेयर दैट काइंड ऑफ बॉन्ड कि मुझे जो भी फील होता है कम्स फ्रॉम द हार्ट। बिकॉज क्या होता है जब तक आप दिल से किसी को उतना प्यार और उतनी क्लोजनेस आप या कंफर्ट किसी के साथ नहीं फील करते, तब तक आप मुंह से ऐसे शब्द जो रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करते हैं वो आपके मुंह से नहीं निकलते। सो दैट इज़ माय पॉइंट।